हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लास बात की थी, बात कर रहे थे उत्पादन की। अब फ्रेंड्स, हम बात करें उत्पादन की, तो आपने देखा होगा कि हमने फ्रेंड्स उत्पादन की बात कर रहे थे, तो हमने कहीं ना कहीं पहले उत्पादन में इंडिया को देखा, फिर उसके बाद विश्व को देखा। अब फिर जो हमारी नेक्स्ट लास्ट क्लास थी, तो हम उसमें बात कर रहे थे इंडिया में खनिजों की। तो हम इंडिया में खनिज की बात कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा विश्व में खनिज की बात होगी। मतलब बात करें तो विश्व में खनिज उत्पादन की है आज जो टॉपिक है हमारा, विश्व में खनिज उत्पादन। विश्व में खनिज उत्पादन में नंबर एक देश, विश्व में खनिज उत्पादन प्रथम देश। अब कौन सा देश किस खनिज के लिए प्रथम है, तो उसमें हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने शुरू से ही कहा है कि हम जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे या कुछ भी अमूमन पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मैप से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैप से जब हम पढ़ते हैं तो हमारा उस एरिया की लोकेशन हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। और कभी ना कभी हमको नहीं भी पता, अगर जो थोड़ा सा याद है तो हमको पता हो जाता है कि अगर जो चार ऑप्शन है पूछा जाए कि तांबा के लिए कौन सा देश फेमस है, तांबा के लिए पूछा और हमको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं अगर जो हमने पढ़ा है और मैप से पढ़ा है तो और बढ़िया, हमको पता है कि तांबा के लिए कोई फेमस है। अब जब देश देखेंगे, एक चीन दे देगा, एक अगर जो यूएसए दे दिया या चिली दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बार लिंक कर जाएगा कि चिली देश कहाँ पर है। तो एक बार चिली को देख लिया तो हम उसको आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक में। तो आप बात करें कि सीधे सीधे तो ये वाला जो एरिया हम देखते हैं ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है, और ये एरिया ऐसे है। तो अब हम बात करें इसकी, तो आपको पता होगा कि ये यूएस, ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया होगा, लेकिन हम समझने के लिए इसे समझ सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका के बाद ही आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से ऐसे कुछ और हल्का पतला है, ये ऐसे। अब ये ऐसे मैक्सिको है, और मैक्सिको के ऊपर जाएंगे तो ये यूएसए पड़ेगा, और यूएसए ये कनाडा का है पार्ट, और ये यूएसए है। कुछ ऐसे ही करते करते ऐसे चले जाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर कनाडा का है, ये यूएसए है, ये मैक्सिको है। अब बात करते हैं आगे, तो ये यहाँ पे इनका वो है, ये ऐसे फैला क्या, ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में ये बात करें तो ये अमेरिका का है, ये अगर जो फिजिकल देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो ये अमेरिका का है, और वैसे अगर जो देखेंगे राजनीतिक दृष्टि से तो ये वाला जो है, मैं लिख दूं सीधे, ये है नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है, और ये ग्रीनलैंड हो गया। और इसके साथ में अगर जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बसा हुआ है, ये द्वीप है, जो आप कहीं ना कहीं तुरंत ही जान गए होंगे कि मैं किस द्वीप की बात कर रहा हूं, तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और
ज्यादा पद। ऐसे तो ये जो है कहीं ना कहीं ये अफ्रीका है, ये समझ ज्यादा अच्छा नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप इसमें समझ सकते हैं देखकर कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट बन गया। ऐसे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अफ्रीका है। अब साउथ अफ्रीका से ही लगा ये, ऐसे ये यूरोप है, ये छोटे ये द्वीपों में बसा हुआ है। अब ये यहीं से बात करते हैं, इसे काट दें तो ये यूरोप हो जाएगा, यूरोप और कुछ ऐसे ये चला गया। अब बात करते हैं कि ये एशिया हो गया, एशिया है, और ये जो यहां पर जो है ये अंटार्कटिका है, ये सारा जो है ये अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका अंटार्कटिका है, ये देखा जाए तो ये भी अंटार्कटिका है। अब ये अंटार्कटिका हो गया। अब बात करते हैं, एक और द्वीप है जो ऐसे बसा हुआ है, थोड़ा सा ये ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं समझने के लिए मैंने द्वीप बना दिए और आप इससे लोकेशन सीधे देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ये द्वीप हैं, ये छोटे छोटे थाईलैंड है और यहीं पर तुम्हारा फिलिपिस्तान है, ये बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं। अब ये अब बात करते हैं हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों की, तो यहां से आप समझ सकते हैं, एक आध दो बार बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब पहला बात करते हैं चीन की, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं उत्पादन में भी कृषि में नंबर एक था और बहुत सारे हैं जो अभी भी ये नंबर एक पर है। किसमें? इसमें खनिज उत्पादन में। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं चीन की, तो चीन की लोकेशन आपको पता है कि ये यहीं पर है, ये चीन यहाँ पर है, ठीक है। ये जो इंडिया का पार्ट है, अब थोड़ा सा ऐसे आएगा तो ये ऊपर का चीन हो जाएगा। अब चीन किस चीज के लिए नंबर एक है, तो अब बात करते हैं चीन की, तो चीन जो नंबर एक है ये सोना में है, सोना में। और सोने के साथ में बात करें और किस चीज में है, तो ये आगे है लेड में है और जिंक में है, लेड में है, जिंक में है, कोयला में है, कोयला में, लेड में है, जिंक में है, कोयले में है और मैग्नेसाइट में है और ट्रंगस्टन में है। स्टन, ये ट्रंगस्टन वही है
जिसका उपयोग कहां पर होता है, टंगस्टन का। ये फ्रेंड्स ये टंगस्टन का जो उपयोग है बल्ब में साइकिल तार के रूप में होता है। और ये चीन जो है, बात कर रहे हैं हम चीन की, किस चीज में नंबर एक पर है, तो ये कोयला में है, सोना में है, लेड में, लेड में है। ये टैनिंग, सॉरी फ्रेंड्स, ये डाव होगा, ये लेड में है, जिंक में है, टंगस्टन में है। और बात करें किस चीज में आगे है, तो ये सीमेंट में भी आगे है, ये सीमेंट में नंबर एक पर है, सीमेंट हो गया। और बात करें किस चीज में है, तो ये है कैडमियम में। अभी कैडमियम क्या है मुझे खुद पता नहीं, कैडमियम, कैडमियम में भी ये नंबर एक पर है। और अब बात करें कि इसमें बात कर ले बेटोनाइट, फ्रेंड्स ये बेटोनाइट में भी है, बेटोनाइट, बेटोनाइट में भी नंबर एक है। ये सब चीन की बात हो रही है कि चीन किस चीज में नंबर एक है। और अब बात करें हम भारत की, तो भारत की बात करें ये फ्रेंड्स एल्युमिनियम में भी आगे है, ये बाइराइट में आगे, बाइराइट, बाई राइट। अब बात करते हैं भारत की, तो मैं रेड से लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं भारत की बात करता हूं। तो भारत दूसरे नंबर पे है बाई राइट में, इंडिया। सीमेंट में भारत दूसरे नंबर पे है, ये इंडिया। और बात करें भारत किस चीज में है, तो कोयले में भी नंबर दो पर है, ये कोयला, तो ये भी भारत दूसरे नंबर में है। और सीमेंट में, कोयले में, दोनों में भारत नंबर दूसरे पर है। और बाइलाइट में भी भारत दूसरे नंबर में है। और बेडोनाइट में भी भारत तीसरे नंबर में, ये तीसरी पोजीशन है यहाँ इंडिया की। तो और ये ग्रेफाइट में भी, ये पता नहीं जी, ग्रेफाइट में भी नंबर एक पर है, ग्रेफाइट में भी नंबर एक पर है। तो ये सारी चीजें हो गई जो जिसमें चीन नंबर एक की पोजीशन रखता है। और कहीं ना कहीं भारत भी दो तीन चीजों में जो है इसके बाद में है। खनिज के मामले में भारत बहुत गरीब है, जैसे यूपी है जो इंडिया में खनिज के मामले में गरीब है। अब बात करते हैं कि हीरा कहां पाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो एरिया है पूरा ये रूस का है। हम जो बात कर रहे थे ये चीन का सारा है जितने खनिज में है, और ये रूस है। तो यहां पर जो पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, तो यहां पे हीरा पाया जाता है। हीरे में रूस जो है नंबर एक की पोजीशन रखता है। और एस्बेटम, ये पता नहीं क्या है, इसमें भी जो है एस्बेटम में भी ये रूस जो है नंबर एक पर है। अब रूस की बात हो गई, अब बात करते हैं एल्युमिनियम की और लोहा की। एल्युमिनियम और लोहा किस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये है, अब ये सॉरी फ्रेंड्स, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो है लोहा, लोहा और ये बॉक्साइट, इन चीजों के लिए है। फ्रेंड्स बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है लोहा में, और ये लोहा के साथ साथ लोहा और बॉक्साइट में नंबर एक की पोजीशन रखता है। अब बात करें तांबा की, तो तांबा की बात करें तो यहां पर एक देश बसा हुआ है, ऐसे
लंबा लंबा देश बसा हुआ है, इसे कहते हैं चिली। चिली है, और ये चिली जो बात कर रही है ऐसे बसा हुआ है, यहां तक चला गया है। चिली में तांबा नंबर एक पे पाया जाता है, ये तांबा के लिए नंबर एक है। अब साउथ अफ्रीका की बात करें, ये किस चीज के लिए नंबर एक पर है, तो ये है मैग्नीज और प्लेटिनियम के लिए नंबर एक पर साउथ अफ्रीका। मैग्नीज और प्लेटिनियम, प्लेटिनियम के लिए और मैग्नीज, और बात करें किस चीज के लिए है, तो क्रोम, क्रोमिनियम के लिए भी। ये क्रोमिनियम, क्रोमियम के लिए भी नंबर एक पर है जो साउथ अफ्रीका है। तो यहां तक आपको क्लियर होता जा रहा होगा, आप मैप बनाएंगे और ये सारे सब कुछ लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जिप्सम और पेट्रोल है और गैस है, इन चीजों के लिए जो है अमेरिका है, ये यूएसए, ये यूएसए, ये किसके लिए है, तो बात करें प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। गैस, पेट्रोल, और बात करें कि जिप्सम के लिए ये है जिप्सम, तो ये गैस, पेट्रोल और गैस, पेट्रोल, जिप्सम के लिए यूएसए है जो विश्व में नंबर एक की पोजीशन रखता है। तो अब हम बात करते हैं निकल्स, ये भी कोई छोटा है निकल्स, तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया में, ये इंडोनेशिया में निकल, निकल इंडोनेशिया में पाया जाता है, तो आप इसे इंडोनेशिया, ये यहां पर है, द्वीप है जो निकल्स के लिए, निकल के लिए नंबर एक पर है। अब बात करें चांदी की, तो चांदी की तो आपको पता ही है कि ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको, ये चांदी के लिए नंबर एक पर है, ये चांदी के लिए, मैक्सिको चांदी के लिए नंबर एक पर है, और मैंने आपको दिखा दी कि कहां पर पड़ेगा, आप इसे जब देखेंगे तो जरूर जान जाएंगे। अब हम बात करते हैं मैक्स, ये हो गया, अब एक देश और बचा है, ये बचा है तुर्की, और ये फिलिस्तीन, ये जो है फिलिस्तीन के लिए जाना जाता है। अब तुर्की की बात करें कि ये कहां पर है, तो तुर्की यहां पर बसा है, ये यहां पर, ये ऐसे यही पर, ये तुर्की, ये तुर्की। अब तुर्की किस चीज के लिए फेमस है, तो तुर्की जो है फ्लेस्पर, अब ये क्या है पता नहीं, ये जो फ्लेश पर है, सॉरी फ्रेंड, ये फ्लेश पर के लिए जो है फ्लेश पर, अब ये जो भी हो तुर्की इसके लिए नंबर एक पर है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि विश्व में उत्पादन में कौन सा देश जो है नंबर एक की पोजीशन रखता है, किस चीज के लिए है, ये नंबर एक की है, और दो तीन का मुझे नहीं मतलब, क्योंकि अगर जो हमको फर्स्ट पता है तो हम जान ही जाएंगे, अधिकतर पहला ही पूछा जाता है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फ्रेंड्स।